दोस्तों मनीष यात्रा 2023 के अपडेट के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों मनीष भगवान शिव के पंच कैलाशों में से एक कैलाश है जो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में स्थित है। दोस्तों प्रत्येक वर्ष मनीष यात्रा जन्माष्टमी से आरंभ होकर राधा अष्टमी तक चलती है और इस बार जन्माष्टमी 6 सितंबर 2023 को और राधा अष्टमी 23 सितंबर 2023 को है। तो इसलिए इस बार की जो मनीष यात्रा है वो 6 सितंबर से 23 सितंबर के बीच में होनी है। तो अगर आपने भी प्लानिंग की है श्री मनीष यात्रा इस बार आने का तो मैं आपके लिए स्क्रीन पे ये दो वेबसाइट जो ऑफिशियल गवर्नमेंट है एचपी के तो वो यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ और आप भी यहाँ पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण करवा सकते हैं और अपनी यात्रा की प्रिपरेशन या फिर तैयारियाँ आप कर सकते हो। तो पहली जो साइट है वो है moneyveshyatra.gov.nic.in और दूसरी जो साइट है वो है chambahp.nic.in/moneyveshyatra2023। तो ठीक है, ये तो बात हुई यात्रा या फिर रजिस्ट्रेशन की। अब दोस्तों अब हम बात करते हैं मौसम या फिर कितनी ज़्यादा मौसम कैसा रहेगा, कितनी ठंड रहने वाली है। तो देखो इस बार की जो यात्रा है ना वो सितंबर मंथ में है। तो सितंबर महीना अक्सर यू नो मनीष में क्योंकि 13 से 14,000 फीट की हाइट पे है तो ठंड ऑब्वियसली वहाँ पे ज़्यादा होगी। तो इसलिए आपको गर्म कपड़े कैरी करना ना भूलना, अपने साथ गर्म जैकेट्स वगैरह आप रख लेना है और इसके साथ साथ अपने साथ एक रेनकोट भी रख लेना क्योंकि सितंबर में मनीष में बारिश के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। और उसके अलावा आपके पास अच्छी क्वालिटी के जो शूज़ है जूते होने चाहिए ताकि जिसका ग्रिप पानी कीचड़ या फिर बर्फ़ में ना फिसले। तो ये तो बात हुई कुछ एक इंग्रेडिएंट कुछ चीज़ों की। अब बात करते हैं पोनी जो घोड़ा खच्चर और पालकी की। तो देखो अगर हम बात करें तो इसका कोई लेटेस्ट अपडेट अभी तक आया नहीं है कि क्या इनके रेट्स जो गवर्नमेंट रेट रहेंगे जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। तो इस तरह की कोई रेट फ़िलहाल अभी अवेलेबल हमारे पास अभी अवेलेबल है नहीं। तो बाकी जैसे ही अपडेट हो जाएंगे आप जो ये दो ऑफिशियल साइट्स है इसके ज़रिए आप पता कर सकते हो, चेक कर सकते हो। बट अगर हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो हेलीकॉप्टर के लिए जो वन वे टिकट है वो 8400 का है, 8400 का है और अप एंड डाउन दोनों साइड का तकरीबन 15 से 15,500 के बीच में आपको पड़ेगा। बाकी अगर इसमें कोई चेंजेस होता है तो ये टाइम टू टाइम इसमें आपकी ऑफिशियल साइट में अपडेट होता रहेगा। तो दोस्तों ये तो थी कुछ मनीष यात्रा की अपडेट। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, जय मनीष।